हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ कि एक्सेल में सैलरी शीट हम कैसे बनाएंगे। कोई भी कंपनी में कोई भी बंदा, कोई पर्सन जॉब करता है, तो यदि उसको सैलरी शीट बनाना है सारे एम्प्लॉय का, तो कैसे वो बना सकता है। इसका बेसिक फंडा बहुत ही सिंपल स्टेप है सैलरी शीट बनाने का, और इसको आप अपने अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिजाइन भी आप डिजाइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, और छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का निशान है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आप एमएस एक्सेल 2007, 10, 16, 13 जो भी आपके पास है, कोई भी आप ओपन कर रहे हैं, जैसे कि हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको यदि वहां पे हेडिंग में यदि आपको सैलरी शीट और इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं, और इसमें हम इसका फॉन्ट साइज हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं। एरियल ब्लैक लेने के बाद इसका हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इसका सैलरी सीट यहाँ पे, और यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ सकते हैं, सैलरी शीट जनवरी मंथ या फरवरी जिस भी मंथ का आप सैलरी शीट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अनुसार आप हेडिंग बना सकते हैं। तो इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं वहां से, इंक्रीज करने के बाद आप यदि आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन आप कीजिए। यदि आपको बॉर्डर देना तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हेडिंग दे रहे हैं वहाँ पे। आप इसका थीम कलर में आप कुछ भी दे दीजिए, और इसका जो फॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम हम डाल देते हैं, जिसका हम उसको सैलरी निकालना है उसका नाम वहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। नेम हो गया, नेम के बाद इसका जो बेसिक सैलरी है वो कितना का है, बेसिक सैलरी है वो कितना है। आप यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सेल के अंदर बेसिक सैलरी नहीं आ रहा है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पे आप
इसका टीए जितना भी मिलता हो, इसके बाद टीए हो गया, इसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ से इसका पीएफ कितना परसेंटेज करता है, आप इसको टैक्स इसको कितना देना पड़ता है, टैक्स कितना कटना करता है, उसके बाद इसका ग्रॉस इनकम, इसके बाद ग्रॉस इनकम के बाद इसके नेट सैलरी जो लास्ट में जो बचता है इसको नेट सैलरी मिलते हैं, इसको परफेक्ट में कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स, सैलरी शीट में ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रतिशत, अलग अलग परसेंटेज, टीए, डीएचआर, पीएफ, टैक्स वगैरह। पीएफ टैक्स तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, पीएफ भी कटता है, एचआर यानी कि कंपनी के द्वारा दी जाती है, जैसे भाड़ा वगैरह हो गया, रूम का रेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें किया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाम यहाँ पे आप करें तो जितना भी आपका जितना भी बंदा का निकालना है नाम टाइप कर लीजिए। आज हम सिंपल आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपको जितना भी आप जितने भी एम्प्लॉय का आपको निकालना हो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, पूरा नाम आप लिख सकते हो, इसको इसके बाद इसका सैलरी जितना भी है इसको मान लीजिए बेसिक सैलरी आठ हजार है, इसके बाद मान लीजिए इसका है इसका 9000, मान लीजिए इसका 10,000, इसका 10,000, 500, इसका 11,000, इसका 12,000, इसका 10,000, इसका 15,000, इसका 20,000। इसके बाद यहाँ पे इसका टीए इसका जितना भी इसको मिलता हो इसको निकालने के लिए, टीए निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू इसको बराबर दीजिए। बराबर देने के बाद बेसिक सैलरी आप क्लिक कीजिए। बेसिक सैलरी आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तो फॉर्मूला आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपको टीए मान लीजिए इसका 5% मिल रहा है, तो 5% हम निकाल लेते हैं इनटू 5%। कैसे निकलता हो आप सिर्फ यहाँ पे आपको सिंपली इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद को यहाँ पे लेते हैं ये सबका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, टीए निकल गया। मान लीजिए इसका डीए भी, डीए का भी उसी तरह सेम निकालना आपको,
को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इनटू दवाई, इनटू मान लीजिए इसको टी ए, इसको मान लीजिए कि 4% मान लीजिए मिलता है, 4% मिलता है। उसके बाद आप इंटर दबाई, इंटर दबाने के बाद उसी तरह से आप करते आइए इसको, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह को दबाते हुए आइए, ये निकल गया HRA मान लीजिए इसका, उसी तरह से इसको भी निकालिए HRA। बहुत ही सिंपल है, बेसिक सैलरी क्लिक कीजिए, इंटू इसको मान लीजिए कि 6% मिलता है, 6% मिलेगा, इंटर दबाइए। इंटर दबाने के बाद प्लस चिन्ह को आप अच्छे तरह दबाइए। PF, इसका PF कितना कटता है, PF का भी सेम है इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का ही PF कटता है। इसके बाद यहाँ पे N2 मान लीजिए इसका 8%, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 8% करते हैं तो इसको 640 रुपये इसका PF कट जाता है। इसका मान लीजिए टैक्स भी हमको निकालना, टैक्स का भी सिंपल फॉर्मूला है, क्लिक कीजिए और इसमें आप इंटू मान लीजिए 4.5%, 4.5% इंटर दबाइए, इसका टैक्स इतना कट जाता है। देखिए फ्रेंड्स इतना हो गया, इसका टैक्स इतना कट जाता है। अब ग्रोस का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ग्रोस यानी कि बेसिक सैलरी से लेके इसका टैक्स तक जितना भी पैसा कटा दिया गया सारा जोड़ के जो इकट्ठा होता है उसको ग्रोस बोलते हैं। तो ग्रोस का फॉर्मूला, ग्रोस निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, इसमें आप इक्वल टू दें, इक्वल टू देने के बाद को जोड़ना है तो सम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट दे, ब्रैकेट देने के बाद आपको बेसिक सैलरी से लेके पूरा आप यहां थोड़ा सा गलत कर दिए, इक्वल टू सम, बेसिक सैलरी से लेके पूरा आपको टैक्स तक जोड़ देना, जोड़ने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट वापस बंद कर देना, स्वाद इंटर दबा देना। तो देख रहे फ्रेंड्स टोटल 10,200 हो गया है, यानी कि सारा बेसिक से TDA वगैरह सारा कुछ जोड़ के इसको 10,200 होता है। आप हमको सारा सबका निकालना है तो आप यहाँ पे जाइए, सबका चल जाएगा और आपका आप नेट इनकम, नेट सैलरी जो है इसका राजेश सिंह की, पटेल संजय, ये सबको कितना मिलता है नेट सैलरी, यानी कि जो परफेक्ट सैलरी होता है, परफेक्ट सैलरी जो नेट सैलरी जो लास्ट में निकल कर आता है सारा कुछ कटने छटने के बाद, इसको नेट सैलरी को निकालने के लिए आपको सिंपली आपको इक्वल टू ब्रैकेट, सबसे पहले इसमें आपको ग्रॉस सैलरी को नेट सैलरी में देखिए जो इसका ग्रॉस है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसमें जैसे कि इसका इसको टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा और इसको पीएफ को पैसा नहीं मिलेगा अभी,
माइनस हम करते हैं, माइनस टैक्स, टैक्स लिख लीजिए, उसके बाद फिर माइनस पीएफ, कारण कि पीएफ का पैसा तो अभी इसका कट रहा, बाद में मिलेगा इसको पीएफ, पीएफ, उसके बाद फिर से ब्रैकेट अब बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इंटर प्रेस कीजिए। अब इसको कट छट के, टोटल कट छट के, पीएफ कट के, टैक्स कट के, सारा कुछ कट के, इसको टोटल सैलरी 9200, यानी महीना में इसको 9200 सैलरी मिल रहा है, और इसको 23000 मिल रहा है, इसको 22425, यानी सबका सारा का सारा इम्प्लॉय का सैलरी इतना इतना अभी मिल रहा है सब कुछ कट छटने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में कि सैलरी शीट बनाना कितना ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इसमें यदि आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे सैलरी शीट में सैलरी शीट तो गए, वो इसको सिर्फ हम दिखाने के लिए बनाया है जल्दी जल्दी, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें यदि आपको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको यदि इसमें कोई कलर वगैरह भी आपको देना है तो कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसमें अपने अनुसार, इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मकसद सिर्फ था कि सैलरी शीट इसमें कैसे बनाना है, सैलरी शीट बनाने के लिए मैंने हमको बताना था, इसलिए हम काफ़ी और एडवांस ऑप्शन इसमें हम यूज नहीं करेंगे। इसमें डिजाइनिंग वगैरह के लिए हम इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए सैलरी शीट बनाने में, एक्सेल में, वो भी सिंपल स्टेप में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।